हे माइटी बेंस की हालचाल, वेलकम बैक टू दिन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होने वाला है क्योंकि ये एक कंपैरिजन वीडियो है। आप में से कुछ व्यूअर्स हमेशा इस बात की डिमांड करते हैं, उनके सवाल होते हैं कि क्या हमको पैकेज लेकर के जाना चाहिए या हमें खुद प्लान पूरा कंप्लीट करके खुद ट्रैवल करना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं एक्सप्लोर करने के लिए अब की बार शिमला गया और मैंने कंपैरिजन घर पर आकर के किया। जब रेट बाय रेट कंपेयर किया उसके बाद मैंने एक ट्रैवल कंपनी से पैकेज को मंगवाया जो कि आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो देख करके मैं हैरान हो गया कि मेरे जहां पर लग गए 7,500 रुपये वहां पर ये ट्रैवल कंपनी मात्र 5,200 रुपये में शिमला का पैकेज दे रही है और वो भी एक लग्जरी पैकेज दे रही है जिसमें वॉल्वो की भी टिकट है, बढ़िया होटल दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट डिनर 3-3 दिन आपके साथ कार दी जा रही है। इतनी सारी फैसिलिटी देख करके मुझे तो लगा कि मैंने अपने शायद पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन आप तक ये जानकारी मैं पहुंचाने में तभी सक्षम हो पाया हूं जब ये सारे मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूं शिमला का एक ऐसा पैकेज जिसको आप लिए बिना शायद नहीं रह पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सारी जानकारी ले लीजिए। मन करे तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी को कॉल करिए, सारी जानकारी हासिल करिए, उसके बाद पैकेज को बुक करवा करके होकर के आइए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको डिटेल देने जा रहा हूँ। 19 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2021 के बीच की इसकी वैलिडिटी है। जो रेट्स मैंने बताए 5,200 रुपये पर पर्सन, 4 ट्रैवलर्स की इसमें रिक्वायरमेंट है। 3 नाइट 4 डेज का ये पैकेज होने वाला है जो दिल्ली से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको आइटनरी बताता हूँ। डे 1 पर आप दिल्ली से शिमला चलेंगे, आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन आपको सबसे पहले पहुँचना होगा या मजनू का टीला, यहाँ से आपको बस मिलेगी। लगभग रात को 9 बजे के आसपास ये बस चलती है आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से और लगभग आधे घंटे बाद ये पहुँचती है मजनू का टीला, मतलब 9:30 बजे के आसपास मजनू का टीला लगभग लगेगी, ये मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद पूरी आपकी लगभग पूरी रात आपकी यात्रा होगी। रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप इंजॉय करते हुए जाएंगे। वॉल्वो की बहुत मज़ेदार ये यात्रा रहेगी और वॉल्वो भी बहुत अच्छी क्लास की वॉल्वो रहती है जो ये ट्रैवल कंपनी प्रोवाइड करती है, मैंने खुद चेक किया है। इसके बाद आप नेक्स्ट डे डे 2 पर पहुँचेंगे शिमला। शिमला पहुँचने के बाद वहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करी गई है पैकेज के। आपको ड्राइवर पिकअप करने आएगा, पिकअप करके होटल में पहुंचाएगा। होटल में पहुंचने के बाद वहां पर आप चेक इन करिए, चेक इन करने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप रेडी हो जाइए शिमला की लोकल साइट सीइंग के लिए जो लगभग आपकी हाफ डे की होने वाली है। इस दिन आप कहां कहां घूमेंगे, संकट मोचन टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, स्टेट म्यूजियम और सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर भी चल रही है। ये सब आप घूमेंगे और घूमने के बाद शाम को आपको माल रोड के पास छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों शिमला का माल रोड एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग बहुत सारे लोकल साइट सीइंग के लिए ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे द लिफ्ट है, आपकी स्कैंडल पॉइंट है, द रिज है, क्राइस्ट चर्च है, गेटी थिएटर है, आप लक्कड़ बाजार है, जा करके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पर रात के टाइम जो आपका क्राइस्ट चर्च है उसके पास जो आपका फाउंटेन चलता है, लाइट एंड साउंड शो वाला फाउंटेन जो चलता है ना, ऑसम है यार। मेरे आप पिछले अभी शिमला सीरीज जो मैं शिमला से होकर के आया, मैंने शिमला सीरीज पूरी बनाई है, जाकर के YT भारत पर सर्च करो, आपको एक नंबर का एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सारे ब्लॉग की सीरीज देख लेना और भी कुछ वीडियोज आने वाले हैं शिमला के, तो वो सब भी आप देखते रहिए और जानकारी को अपने बढ़ाते रहिए। अगर आप कभी भी शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी लिस्ट में है या किसी और कोई बताना चाहे तो जरूर देखना आप शिमला की। इस वीडियो को भी देख लो और पूरी जानकारी हासिल कर लो। तो आपका डे 2 पर लोकल साइट सीइंग भी आपको कार से करवाई गई, शाम को आपको माल रोड छोड़ा गया, वहां पर आपने बाकी जो बची हुई लोकल साइट सीइंग कंप्लीट करी, वापस होटल में आइए और होटल में आने के बाद डिनर करिए। डिनर करने के बाद आप ओवरनाइट स्टे करिए होटल में। डे 3 जो होने वाला है ना शिमला की सबसे फेमस आपकी साइट सीइंग स्टार्ट होने वाली है फुल डे की, वो है कुफरी। और कुफरी के आसपास जो भी रास्ते पड़ता है वो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका लिस्ट आया, ग्रीन वैली है, मिनी जू है, वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चीनी बंगलो है, कुफरी है, इंदिरा गांधी टूरिस्ट पार्क है, फन वर्ल्ड है, इन सब जगहों पर आपको ले जाया जाएगा। बस आपके लिए सलाह यही है टाइम से निकलना, तभी कवर कर पाओगे। नहीं आप निकलोगे, देर करोगे तो ये पूरी जगह कवर नहीं हो पाएंगी क्योंकि
कुफरी अपने आप में कम से कम 2 से 3 घंटे कम से कम आपको लगते हैं वहां पर, तो उसके हिसाब से देख लीजिए टाइम से निकलना। ये मेरी खुद की सलाह है जो मैं अभी ऑब्जर्व करके आया हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद फुल डे का आपका टूर होगा, वापस आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा होटल पर, डिनर करिए और डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे करिए। नेक्स्ट डे आप उठिए शिमला, और शिमला में उठने के बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट करिए होटल से, और वापस आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पे, वॉल्वो पकड़िए और वापस। रात को आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच करके आपका ये टूर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताना स्टार्ट करते हैं इस पैकेज का, जो है इसकी कॉस्ट और होटल के नेम। होटल आपको दिया जा रहा है अल्पाइन रिट्रीट शिमला, रॉयल विला हिल व्यू या इससे सिमिलर, 5,200 रुपये पर पर्सन की कॉस्ट आने वाली है। 4 ट्रैवलर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 2 भी ट्रैवलर हैं तब भी इस ट्रैवल कंपनी को कॉल करके पता कर लीजिए क्या कॉस्ट आने वाली है। इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, वॉल्वो की बस टिकट आपकी होगी जाने और आने की दिल्ली से शिमला, शिमला से वापस दिल्ली, आपका पिक एंड ड्रॉप होगा, पिकअप भी होगा ड्रॉप भी होगा शिमला वॉल्वो बस स्टैंड से। इसके साथ साथ आपका ब्रेकफास्ट डिनर भी होने वाला है, 2 डे का आपका मॉर्निंग टी भी आपको मिलेगी, 2 ब्रेकफास्ट 2 डिनर मिलेंगे, 1 कैंडल लाइट डिनर मिलेगा, डिस्कोथिक होगा एंट्री मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा 10% लॉन्ड्री पर। उसके साथ साथ आपको जो भी फैसिलिटीज़ होंगी होटल में वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद आपका 1 फुल डे का लोकल साइट सींग टूर होने वाला है आपका कुफरी का, इसके साथ साथ हाफ डे का लोकल साइट सींग टूर होने वाला है प्राइवेट कार से, सब कुछ प्राइवेट कार से होने वाला है। इसके बाद वॉल्वो बस स्टैंड मैंने बता ही दिया, वहाँ से आपकी बस होगी, ये सब चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दी है। बुक करवाने के लिए बस सिंपल आपको क्या करना है, वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जा करके ट्रैवल कंपनी का कॉल आप मिलाइए, बात करिए, और संतुष्ट हो जाना चाहते हैं पैकेज लेकर के तो ज़रूर होकर के आइए, क्योंकि मैंने जो खुद प्लान किया था मेरी कॉस्ट इस पैकेज से ज़्यादा पड़ गई है, और मैंने सब कुछ नॉर्मल किया था, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, नॉर्मल होटल किया। उसके साथ साथ जो मैंने ट्रेन सिर्फ एक ही लग्जरी करी थी कालका शताब्दी, उसके बाद सारी ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल करी हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, ढाबे में जाके खाना खाया माल रोड पे, कुछ एक्स्ट्रा खर्च इस तरह से नहीं किया, कोई शॉपिंग नहीं करी। उसके बाद खर्चा आया 7,000 से 7,500 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल रहते हैं तो आप आईटी भारत पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। कोई ट्रैवल कंपनी से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं नंबर आपको बता ही दिया है। जुड़े ही रहिए आईटी भारत पर हमेशा, इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आईटी भारत पर मैं नवीन दुबे हमेशा से आपके लिए लेकर के आता रहा हूँ, रहूँगा। आगे बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, लेह की, लद्दाख की, अमरनाथ की, बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, केदारनाथ की, अलग अलग जगह की इंडिया की हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। पैकेजेस के बारे में खुद अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रखा है पूरी इंडिया का, देखने को मिलेगी। बने रहिए आईटी भारत पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार।